ग्वालियर के एनसीसी ओटीए परिसर में पिपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। सेरेमनी में पहले दीक्षांत परेड की गई। इसके बाद एनसीसी के ब्रिगेडियर कमांडेंट जितेंद्र शर्मा ने 126 प्रशिक्षार्थियों को रैंक प्रदान किए। ब्रिगेडियर कमांडेंट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि ग्वालियर एनसीसी ओटीए के दो उद्देश्य हैं, एक एनसीसी एसोसिएट एनसीसी कैंडिडेट को ट्रेनिंग देना और उसके साथ एक और जो बड़ा उद्देश्य है वह वुमन एम्पावरमेंट है। हमारे सीसी में पूरे देश भर से 126 एनसीसी एसोसिएट कैंडिडेट प्रशिक्षण लेने आई थी। यह कैंडिडेट देश भर के 17 जगह से आए हैं। यहाँ पर आकर इन्होंने 45 दिन की कड़ी ट्रेनिंग ली है, जिसका नतीजा है वुमन नारी शक्ति किस तरह से आगे बढ़ रही है। ये हमारे पास में ओटीए ग्वालियर का जो स्थापना करी गई है, ये एक तरह से इसके दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य जो है एनसीसी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना, और उसके साथ ही एक जो एक और बहुत बड़ा उद्देश्य है वो हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो है। जो आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर 126 जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स हैं वो पूरे देश भर से आए हैं हमारे पास में। 17 डायरेक्टरेट से पूरे देश भर से आए हैं और यहाँ पर आके उन्होंने 45 दिन की कठी प्रशिक्षण करा है, और उसके बाद में आपके सामने ये एक उदाहरण है कि वुमेन एम्पावरमेंट का, नारी सशक्तिकरण का, तो ये आपके सामने था। हमारा यूनिट और जो हमारी छोटी शहर है, हम छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, जिसमें गर्ल कैडेट को या बोला जाए कि महिलाओं को या लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ड्यूटी बहुत बैकवर्ड एरिया है इसलिए। लेकिन हम सभी यहाँ टीचर हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, और यहाँ आके टीचिंग एबिलिटी थी हमारे अंदर, लेकिन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। यहाँ आके हमने इन 45 दिनों में सीखा, एक अवेयरनेस है जो हमें चलाना चाहिए, और हमारे रीजन में, हमारे यूनिट में इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। ओटीए में एज एनसीसी कैडेट भी हूँ मैं, ये लाइफ पहले जी है, बट एज अ कैडेट होकर ये लाइफ जीना और एज अ एनओ लाइफ होकर बहुत डिफरेंट है। एक एनओ की लाइफ क्या होती है आज हमने यहाँ सीखा है 45 डेज में, कि एनओ के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने हर एक चीज़ यहाँ आकर सीखी है, बच्चों को मैनेज करना, उनकी उनके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर कैसे निकालना है, वो चीज़ हमने यहाँ सीखा है। कि जो बच्चे में कहीं बच्चे होते हैं जो अपने अंदर कहीं टैलेंट छुपा के बैठ जाते हैं, वो डरते हैं फ्रंट में आने के लिए, तो हमने ओटीए में आके वो चीज़ सीखी है। तो यहाँ पर आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आई एम फीलिंग प्राउड टू बी एनसीसी ऑफिसर। फाइनली मैं बहुत ईगरली वेट कर रही थी इस मोमेंट के लिए, और फाइनली दिस मोमेंट हैज़ कम एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड। यहाँ पे 45 दिनों में ओटीए में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने मिली जो नई है, अंतर्गत भी है, बाह्य भी है। अंतर्गत बोले तो हम अगर बात करें तो एनसीसी सिलेबस जो है, जो एनओ को बच्चों को पढ़ाना है, कैडेट्स को पढ़ाना है, वो तो है ही, पर उससे प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं, फिजिकली जो एक्टिविटीज़ है, जैसे टेंट पीचिंग है, फिर फ्लैग एरिया है, हमें लाइन एरिया बनाना सीखना है, तो ड्रिल मार्च है, कमांड्स है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अंतर्गत यहाँ पे सिखाई गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।